अस्सलाम वालेकुम। लास्ट सेशन में सीखा था अबाउट द स्कैटर प्लॉट, ये क्या होता है। आज के सेशन में सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ अ स्कैटर प्लॉट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा। डेटा यहाँ दिया गया रेड सूट ऑफ बर्ड विंग एंड द एज ऑफ द बर्ड। एज हम जानते हैं, दिस वन इज बेसिकली इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम रखते हैं अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जबकि विंग लेंथ इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल जो कि बर्ड की एज पर डिपेंड कर रही होती है, तो इसको हम लेंगे अलॉन्ग वाई एक्सिस। अगर हम स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करें, स्कैटर प्लॉट को हम एक्स वाई प्लॉट भी कह रहे होते हैं, तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे इन दिस वे। दिस वन इज अ एक्स एक्सिस, दिस वन इज अ वाई एक्सिस, दिस वन इज एक्स एक्सिस। और यहां पर हम लिख लेंगे जीरो, ये एक्स एक्सिस हो जाएगी और ये वाई एक्सिस हो जाएगी। वाई एक्सिस के अलोंग आप ले रहे हैं विंग की लेंथ और जबकि एक्स एक्सिस के अलोंग आप ले रहे हैं एज ऑफ द बर्ड। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्कैटर प्लॉट ड्रॉ करते हुए ये होता है कि डेटा के अकॉर्डिंग आप लेबलिंग करें एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की। हम देखें जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग हमें डेटा दिया गया है वो रेंज करता है फ्रॉम 3 to 17, तो इसके अकॉर्डिंग आप रेंज बनाएंगे। तो यहाँ हम लिख लेते हैं लाइक स्टार्टिंग विद 1, स्टार्टिंग विद 2 कर लेते हैं, देन 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 एंड 18। जबकि वाई एक्सिस की अलोंग डेटा है वो रेंज करता है फ्रॉम 1.4 से लेके 5 तक, तो इसको हम अरेंज कर लेंगे फ्रॉम 1, देन 1.5, देन 2, देन 2.5, देन 3, देन 3.5, देन 4, देन 4.5 एंड देन 5। इसका इसको अरेंज करने के बाद फिर हम इस डेटे के अकॉर्डिंग डॉट्स लगाएंगे, जो कि स्कैटर प्लॉट में हम डेटा प्लॉट कहा जा रहा होता है। उसको किस तरह लगा रहे होंगे उसको हम समझ लेते हैं। लाइक द फर्स्ट वैल्यू हम इसको देखते हैं, तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग 3 आएगा और वाई एक्सिस लॉन्ग 1.4 आ रहा होगा, तो 3 फिर यहाँ पे करके आ रहा होगा ओवर हियर और वाई एक्सिस 1.4 यानी कि यहाँ पे करके वैल्यू आ रही होगी इसकी। और दूसरी वैल्यू है डेट इज 1.4 अलॉन्ग वाई एक्सिस और 4 अलॉन्ग एक्स एक्सिस। सो अगर हम इसको देखते हैं तो 4 यहाँ पर आएगा और 1.5 यहाँ पर आ रहा होगा। जो थर्ड पॉइंट है 2.2 एंड 5, तो 5 यहां पर आएगा और 2.2 यहां पर आ रहा होगा। और नेक्स्ट वैल्यू है वो एस एस की, पहले एस एस की वैल्यू देखते होते हैं उसके बाद वाई की देख रहे होते हैं, तो अगर हम उसको देखते हैं तो वो 6 यहां पर आ रहा होगा और 2.4 यहां पर आ रहा होगा, देन 8 अलोंग एक्स एक्सिस एंड 3.1 अलोंग वाई एक्सिस, वो यहाँ पे करके आएगी वैल्यू, देन 9 अलोंग एक्स एक्सिस एंड 3.2 ऑन वाई एक्सिस, देन 10 अलोंग एक्स एक्सिस एंड 3.9 ऑन वाई एक्सिस, देन 11 ऑन एक्स एक्सिस एंड 3.9 ऑन वाई एक्सिस, तो ये भी यहाँ पे करके आ रही होगी। और फिर नेक्स्ट आता है 12 ऑन एक्स एक्सिस एंड 4.1 ऑन वाई एक्सिस, यहाँ पर आ रही होगी वैल्यू। फिर नेक्स्ट देखते हैं तो वो है 14 ऑन एक्स एक्सिस एंड 4.7 ऑन वाई एक्सिस, उसके बाद 15 आता है ऑन एक्स एक्सिस एंड 4.5 ऑन एक्स एक्सिस, उसके बाद है 16 ऑन एक्स एक्सिस एंड 5.2 ऑन वाई एक्सिस। यहाँ पर रेंज
हमें बढ़ानी पड़ेगी वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर हम लिखते हैं 5.5। तो इस एरे को थोड़ा और ऊपर कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 5.2, यहाँ पे करके आ रहा होगा। तो उसके बाद फिर आता है 17 ऑन एक्स एक्सिस एंड 5 ऑन 17, यहाँ पे करके आएगा और 5 यहाँ पर वैल्यू आ रही होगी इसकी, थोड़ी सी नीचे आएगी यहाँ पे। तो इस तरह पूरा ग्राफ बन जाएगा, इसे कहा जाएगा स्कैटर प्लॉट। तो अगर हम देखें इस प्लॉट को, अगर हम इंटरप्रेट करना चाहें तो हमें मालूम हो रहा है कि एक्स की वैल्यू इंक्रीज करने से वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। इस तरह के कोरिलेशन कह रहे होते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। इट मीन्स कि अगर बर्ड की एज ज्यादा होगी उसके साथ साथ उसके विंग लेंथ में भी इजाफा हो रहा होगा। और यहाँ जो स्लोप नजर आ रहा है हमें, ये स्लोप, दिस स्लोप इज कॉल्ड एज अ पॉजिटिव स्लोप। उम्मीद है कि पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ यू लाइक द लेक्चर, काइंडली हिट द लाइक बटन, अपना ख्याल रखिएगा।